मैम यार भाई मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, आज हम पढ़ेंगे अनुभव लेखन के बारे में। ठीक है बेटा, अनुभव किसे कहते हैं? आपको पता है अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस जिसे आप बोलते हो, अनुभव। जब आप कोई चीज सीखते हो, उससे आपको जो एक्सपीरियंस गेन होता है, जो अनुभव मिलता है आपको, उसे कहते हो आप अनुभव। ठीक है, आराध्यान समृद्ध। आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो नोटबुक में, है ना? आपने जल्दी में कोई काम किया, आप जल्दी में काम कर रहे हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, रेगुलरली आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना? आपकी नोटबुक में मैम करेक्शन करती है, रेड मार्क करती है, आपको नोट करती है, तो आपको क्या हो गया? आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम? व्हाट यू विल डू? आप सीखोगे, आपने सीखा कि आपको कैसे वर्क करना है, राइट? यस और नो? आपको क्या हुआ? आपने यस अनुभव किया कि अगर मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? मैम मेरी बुक्स में क्या कर रही है? रेड मार्क कर रही है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, मेरी गलतियां बहुत निकल रही हैं, राइट? इसको कहते हैं हम अनुभव। हमने एक्सपीरियंस लिया, हमने क्या लिया? हमने एक्सपीरियंस लिया कि हमें वर्क कैसा करना है, अपना अच्छा करना है, हमें धीरे धीरे करना है, हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करनी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अनुभव लेखन। आपने अपने अनुभव से क्या सीखा, किसी भी फील्ड में आपने क्या सीखा? ठीक है, अनुभव लेखन। अनुभव लेखन हम करेंगे। जब हम अनुभव लेखन लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जिस वे में हम लिख रहे हैं अनुभव, हमारी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी भाषा है, हमें सरल भाषा का यूज करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? पहला जो फीचर है, पहली जो चीज है, क्या करना चाहिए? हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा का उपयोग, सरल भाषा का हम क्या करेंगे? प्रयोग। मम्मी से नोटबुक में लिखना है। नहीं बेटा, आप इसे समझ लो, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आप जो भी काम करते हो, जो भी वर्क करते हो, उसे आप अनुभव कहते हो। हमें वही करना, अनुभव लेखन लिखना। लेखन मतलब लिखना, कोई लेख लिखना, जैसे आप पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो ऐसे आप लिखते हो, वैसे अनुभव लेखन है। आपने अनुच्छेद लेखन पढ़ा है, पैराग्राफ राइटिंग आपने पढ़ा है, राइट? अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, ये है यस अनुभव लेखन। आपके अनुभव पे, आपके एक्सपीरियंस पे आपको कुछ लिखना है। ठीक है, मैम यस समृद्ध, मैं एक क्वेश्चन। गो बेटा। ठीक है राधिया, समझ में आया? ओके, तो यस हमको मैम क्या करना है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है? हमको हमको सरल भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है ना? ओके, और जो भी हम जिस चीज के अनुभव के बारे में हम लिख रहे हैं, वो जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो क्या होने चाहिए? वो करेक्ट होने चाहिए। जो फैक्ट्स हैं वो ट्रू होने चाहिए। ठीक है, अगर हम उसमें कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट हम डालेंगे तो वो अनुभव लेखन नहीं होगा, वो फिर एक कहानी हो जाएगी। ठीक है ना, वो एक क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी, स्टोरी राइटिंग हो जाएगी। तो हम जो भी अनुभव लेखन में लिखेंगे, इट शुड बी करेक्ट, वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो तथ्य क्या होने चाहिए?
सही घटनाक्रम पर होने चाहिए, घटनाक्रम पर आधारित होने चाहिए। ओके पर आधारित होने चाहिए, राइट। ओके आराध्या, तो यस मैम, समझ में आया? मीन्स आप जिस पे भी, जिस एक्सपीरियंस बेस पे आप जो भी ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो आप कैसा होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड विजिबल है आपको? हाँ। और यस मैम, जो भी घटनाक्रम है उसका आपको सही ध्यान रखना चाहिए, आप किसके बारे में लिख रहे हो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। सरल भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए और जो भी तथ्य है वो सही घटनाक्रम पर आधारित होने चाहिए। इसके दो मेन फीचर्स हैं। ठीक है, अनुभव लेखन की। ओके, अब जैसे आपका अनुभव लेखन है लॉकडाउन पर, अभी कोविड का लॉकडाउन हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था ना, उसमें आपने क्या सीखा, उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आप लिख सकते हो। आप जो भी लिखोगे इसमें, उसमें आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और जो भी आप लैंग्वेज में लिखोगे वो इजी होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको दिख रहा है आराध्या, यस मैम, इसमें है आपने कोरोना महामारी में क्या सीखा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया उस समय। ठीक है, समृद्धा बोर्ड में देख लो, आप नहीं थे अभी। हमको कैसे अपना अनुभव लेखन लिखना है, हमको इजी लैंग्वेज का यूज करना है, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है जो भी फैक्ट्स हैं जिसपे भी बेस्ड है आपका एक्सपीरियंस, वो कैसे होने चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, वो उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जो जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आप करेक्ट दोगे। ठीक है, अनुभव लेखन का एक एग्जाम्पल है, क्या आपने लॉकडाउन में क्या सीखा, जो कोविड पीरियड था आपने समय कहाँ बिताया, आपके घर में स्पेंड किया आपने वो टाइम, है ना, तो आपने उस समय क्या सीखा। यस यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्या सीखा, कोरोना महामारी की वजह से सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है, हुआ था, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हुआ था ना, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। फर्स्ट लाइन में इस लॉकडाउन का लोगों का अपने अपने अनुभव रहे, किसी का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, किसी का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा तो किसी का नहीं रहा क्योंकि कोई भी अपने घर से, अपने रिलेटिव से किसी से मिल नहीं पाया था, सब घर के अंदर बंद हो गए थे, है ना, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, राइट। मैम, कोरोना महामारी में लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी, मीन्स लॉकडाउन के दौरान जीवन में मैंने जीवन के में बहुत से सबक सीखे। आपने क्या क्या सीखा आप शेयर कर सकते हो, आराध्या एंड समृद्ध। आपने क्या एक्सपीरियंस किया। ड्राइंग आपने ड्राइंग करी, आपने ड्राइंग ड्राइंग सीखी, आपकी ड्राइंग इंप्रूव हुई, नहीं, मैम, आपने ड्राइंग करी, आपने खेला, उसके अलावा आपने क्या एक्सपीरियंस किया, जैसे आपकी हॉबीज हैं, आपने अपनी हॉबीज को, आपने कहा ड्राइंग करी तो आपने ड्राइंग सीखा, मतलब आपकी ड्राइंग और अच्छी होगी, जैसे आप करते थे उससे बेटर हो गई। राइटिंग प्रैक्टिस एंड रीडिंग प्रैक्टिस रीडिंग प्रैक्टिस करी, गुड। हाँ समृद्ध, मैम, वी वॉच टेलीविजन। वीवो टेलीविजन वीडियो, वी वॉच टेलीविजन। टेलीविजन टीवी देखा आपने, तो इसमें क्या यस एक्सपीरियंस किया, इसमें तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। आप भी आप बाहर घर से बाहर खेलने जाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, नहीं, आपके फ्रेंड्स ने आप मैम, क्या बोल रहे हो समृद्ध,
घर में खेलते हैं, आप घर में खेलते हो किसके साथ? आपके हम लोग बड़े भाई के साथ। बड़े भाई के साथ। तो घर से बाहर आप नहीं जाते हो, घर के अंदर ही खेलते हो। यस मैम। ओके, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने तो जाते थे, जाते थे? यस मैम। वो आपका बंद हो गया था, आपने जाना छोड़ दिया, राइट? यस मैम। किया था, है ना? आपने स्कूल जाना, यस स्कूल जाना, स्कूल में क्या था? आप स्कूल से क्लासेस देते थे टीचर के सामने बैठ के। आपने क्या किया लॉकडाउन में? आपने ऑनलाइन क्लासेस दी। टीचर को नहीं पता था कि समृद्ध क्या कर रहा है क्लास में, है ना? और समृद्ध को नहीं पता था कि टीचर अगर देख भी रही है या नहीं देख रही है मुझे, समृद्ध को, राइट? है ना? टेक्निकल इश्यूज आते थे, कई बार क्लासेस नहीं दे पाते थे। हुआ था, प्रॉब्लम फेस करी थी सबने, प्रॉब्लम फेस, हाँ है ना? और एक क्या है इसमें, कोरोना महामारी ने इस लॉकडाउन में सभी को स्वस्थ रहने का सबक सिखाया, यानी कि हमको कैसी अपनी, कैसी रखनी चाहिए अपनी आदत, हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, राइट? हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो हम जितनी भी डिजीज है उनसे हम क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकती है हमारी बॉडी। यस और नो, कर सकती है? यस मैम। ये सबको सिखाया है ना? और क्या किया है महामारी ने, कि इस काल ने हमें पैसों और चीजों के महत्व को भी समझा समझाया है। उसमें कई कई ऐसे लोग थे जिनकी क्या हो गई थी, जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई थी, राइट? तो उनको किस चीज की जरूरत पड़ी, मनी की जरूरत पड़ी, वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है? क्योंकि सारी फैक्ट्री, सारी शॉप, सारे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थे, सारी मतलब जॉब फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद हो गए थे, ठीक है? ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी तक हमने जितनी भी हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, ये सारी करेक्ट है या नहीं है, यस मैम। ठीक है ना? लॉकडाउन के दौरान मैंने परिवार के महत्व और जरूरत को समझा और जाना। लॉकडाउन जब हुआ सबके पेरेंट्स घर पे ही रहते थे। अगर पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, या पापा भी वर्किंग है या मम्मा वर्किंग है, सब घर पे ही रहे, कोई कहीं नहीं गया, सबने घर में टाइम स्पेंड किया, सबके सबके यस पेरेंट्स ने खेला आप सबके साथ, मैम। है ना? जो टाइम पापा ऑफिस चले जाते हैं या मम्मा चली जाती हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया लॉकडाउन में, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा किया था आपने, आपको अच्छा लगा, यस मैम। आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, है ना? यस और क्या सीखा लॉकडाउन में हमने, परिस्थिति जो भी हमारी सिचुएशन है उसमें कैसा रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, खुद पर नियंत्रण रखना यानी कि कंट्रोल रखना, और अपने आप को गुस्सा नहीं आने देना। क्योंकि हम क्या कर रहे थे उस समय, हमें बहुत सारी चीजों से हम क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, हम हर जगह कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑफिस नहीं जा रहे थे, घर पर थे, कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, राइट? कोई आइसक्रीम पार्लर नहीं जा रहा था, कोई गेम पार्लर नहीं जा रहा था, राइट? सब बंद हो गया था। तो हमने क्या सीखा, एडजस्टमेंट सीखा, ठीक है? तो आपको ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, अनुभव लेखन लिखना है, ओके? ठीक है, ओके। अब एक अनुभव लेखन हम लोग करेंगे। मेरे स्कूल, मेरे विद्यालय का पहला दिन, आप सब लोग स्कूल गए हो, दोनों के दोनों स्कूल गए हो, है ना? यस तो फर्स्ट डे ऑफ मैम। माय, मैम क्या एक्सपीरियंस किया आपने मेरे विद्यालय का पहला दिन? नहीं, हमें लिखना है। नहीं, आप सेंटेंस बता दो बेटा, लिखना नहीं है, आप बोल सकते हो। मेरे विद्यालय का पहला दिन, पहला दिन क्या बोलोगे आप उसमें? आज मेरे विद्यालय का पहला दिन है। नहीं, वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आपको अपना एक्सपीरियंस, आपका जो
आपने जो फील किया, आपने जो एक्सपीरियंस किया, वो बताओगे, ठीक है? आपने क्या किया फर्स्ट डे में जाके, क्या किया आपने, बताओ। किसी भी स्कूल में आप छोटे से छोटे का, तो देखो आपको प्ले ग्रुप का याद नहीं होगा, राइट? प्ले ग्रुप का तो किसी को याद नहीं होता, राइट? आप जिस भी स्कूल में गए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पर? मैम मैम, मैम मैम, यस मैम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिले, हाँ। अच्छा, आपको कौन से स्कूल का याद है, आप वो सोचो। आप या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, हाँ। आप जिस भी स्कूल में से पहले थे, या अगर इसमें भी थे, तो आपका फर्स्ट, आपको सेकंड क्लास का याद होगा या थर्ड क्लास का याद होगा? सेकंड का याद है आपको? मैं नहीं याद है? क्या किया सेकंड था स्कूल में? आपको फ्रेंड्स मिले थे, आपने खेला था, है ना? और क्या किया था? आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होगा। नहीं अब मिलता है ना, जब फर्स्ट डे न्यू, जो न्यू चाइल्ड होता है, न्यू न्यू स्टूडेंट होता है क्लास का, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, सब उसकी हेल्प करते हैं, उसको जो भी यस चाहिए मैम उसके साथ, उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना? अगर होमवर्क चाहिए तो उसे होमवर्क भी शेयर करते हैं, होमवर्क भी बताते हैं, करते हैं हम लोग ऐसा। यस यही हमको लिख, यही हमको क्या करना है, लिखना है। यही हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है, कि हमने फर्स्ट डे अपने विद्यालय में क्या किया। आप सबसे पहली लाइन क्या होगी आपकी? मेरा पहला दिन विद्यालय में बहुत अच्छा बीता। मैंने पहला दिन विद्यालय में बहुत अच्छा व्यतीत किया या मैंने बिताया, ठीक है? मुझे नए दोस्त मिले, मुझे बहुत सारे नए दोस्त मिले, राइट? लिख सकते हो आराध्यन समृत, और क्या लिख सकते हो बताओ, अब आप यस बताओ। अगर मैं बोलूंगी तो फिर पता नहीं चलेगा आपको कितना समझ में आया। मैम, मैम, हमें बहुत सारी नई टीचर्स मिली। आपको बहुत सारी मैम वे नई टीचर्स प्लेन मिली, स्विंग्स हाँ समृत बोलो। मैम वे प्ले इन स्विंग्स यू प्ले इन स्विंग्स, हाँ गुड। आपने झूले, झूले में आप झूले, हाँ। और मैम 11 o'clock टू ईट लंच। आपको टाइमिंग तो याद नहीं होगा ना आराध्या, टाइम नहीं लिखना है इसमें, टाइम नहीं आएगा, है ना? आपको डायरी राइटिंग नहीं लिखनी है, ठीक है? आपको अनुभव लेखन लिखना है, और क्या लिख सकते हो? क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स आंसर्स मैम ये, ठीक है? मैम दिस होमवर्क फॉर मैम मैम दिस होमवर्क मैम ने होमवर्क नहीं, होमवर्क तो दिया मैम ने, वो ठीक है, होमवर्क दिया, आपने किया नहीं किया वो सेकेंडरी इशू है, लेकिन आपका दिन बीता कैसे उस दिन? उस दिन आपका दिन कैसे बीता बेटा? अनुभव लेखन बताओ। अभी मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको। ओके, मैं एक वीडियो शो करूंगी आप। चिल्ड्रन मैम वी प्ले इन विद चिल्ड्रंस आपने बच्चों के साथ खेला, हाँ। आपको और क्या मिला? आपको सभी ने क्या करी, हेल्प करी, सभी ने आपकी उस दिन मदद करी, ठीक है? क्या करी सबने उस दिन आपकी? हेल्प करी, ठीक है? मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगी कि हम कैसे लिखते हैं, तो आप मुझे बताओगे। टीचर्स एक्सप्लेन द चैप्टर ओके, इसको आप पहले देख लो। अनुभव या अवलोकन के आधार पर लिखे गए लेख अनुभव लेखन के अंतर्गत आते।
इससे छात्रों में रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। रचनात्मक और सृजनात्मक मीन्स क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। अनुभव लेखन लिखने से क्या होता है, आप में किस चीज का विकास होता है, किस चीज का डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिव राइटिंग लिखने का। आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिख सकते हो, मीन आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा आप उसको इजीली लिख पाओगे, राइट। इसको कहते हैं आप क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है ना। अनुभव लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुभव लेखन लेखन करते समय हमेशा सही तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, घटनाक्रम का ध्यान रखना चाहिए। मेरे विद्यालय में आज विज्ञान मेला लगाया। इसमें क्या है, विज्ञान मीन वे मेला मीन साइंस एग्जीबिशन के बारे में। आपके स्कूल में एग्जीबिशन होती है, एनुअल फंक्शन होता है, किया आपने एक्सपीरियंस एनुअल यस फंक्शन का, आपके मैम, स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, यस किया है ना, मैम, आपने एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि उस दिन क्या क्या हुआ था, आपने कैसा फील किया, राइट। यस मैम, यही आपका अनुभव लेखन है कि आपने उस दिन क्या देखा, क्या क्या हुआ था, आपने कैसा फील किया, ठीक है। ये है साइंस एग्जीबिशन के बारे में विज्ञान मेला, ठीक है। वी गो टू द हैमलेजॉन बस। हैमलीज आप गए थे, वेरी गुड, हैमलीज गए थे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पर, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो। कई विद्यालयों से आए छात्रों ने इसमें भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं ने अपने अपने मॉडल प्रदर्शित किए। विद्यालयों के सभागार को विभिन्न चार्ट पेपरों से सजाया गया था। उसमें पर्यावरण विज्ञान, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित स्लोगन। मुझे अपने ही विद्यालय के एक छात्र आयुष शर्मा का मॉडल बहुत अच्छा लगा। उसने मानव शरीर का एक मॉडल बनाया था जो बिजली से चलता था। उसमें दिल का धड़कना, पाचन तंत्र आदि के अंग दिखाए गए थे। विज्ञान मेले से मैंने नया ज्ञान और नया अनुभव प्राप्त किया और सीखा। तो आपको समझ में आया कैसे लिखना है? हाँ बेटा, पैराग्राफ यस मैम, यस है, मैम, जितना पैराग्राफ होता है उतना ही आपको करना है, राइट, उतना ही आपको यस लिखना है, मैम, ठीक है ना। उसने किसके बारे में बताया, अनुभव के आधार पर लिखे जाने वाले लेख अनुभव लेखन के अंतर्गत आते हैं। ये सही तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम, यस ओके। मैम, क्या था आपका साइंस एग्जीबिशन में, क्या किया था उसने, उसने क्या किया, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वहां पर क्या थे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे, उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए थे। साइंस एग्जीबिशन में क्या होती है बेटा, मॉडल्स बनते, ठीक है ना। यस मैम, और उसको किसका मॉडल पसंद आया, अपने फ्रेंड आरुष का मॉडल पसंद आया था, जो किस पर बेस्ड था, ह्यूमन स्केलेटन उसने बनाया था, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन ही ह्यूमन का, ह्यूमन बॉडी का बनाया था, और उसमें क्या बेसिकली से क्या अच्छा लगा था, हार्ट का, और किसका लगा था, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। बस इतना ही उसने बताया, और क्या कहा है लास्ट में कि मुझे उससे क्या मिला, बहुत नॉलेज मिली, जो मॉडल बनाया उससे मुझे बहुत नॉलेज मिली, साइंस एग्जीबिशन, राइट। तो बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आप नहीं लिखोगे, इजी वर्ड में लिखोगे, इजी वर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, इजी वर्ड्स में आप लिखोगे और उसको छोटा लिखोगे, और जो आपके फैक्ट्स होने चाहिए वो करेक्ट होने चाहिए, वो फॉल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है।
ओके अब आपका क्या हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था राइट, क्या हुआ था आपका एनुअल फंक्शन। अब आप मुझे बताओगे आपने क्या एक्सपीरियंस किया आपके एनुअल फंक्शन में। वार्षिक वार्षिकोत्सव बोलिए। फिर हम डांस वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन, वर्ष में होने वाला उत्सव यानी कि वार्षिकोत्सव। ठीक है, क्या किया था आपने एनुअल फंक्शन में, क्या एक्सपीरियंस किया। वन बाय वन मैं पूछ रही हूँ कि एक सेंटेंस आप रेडी रहे, मैं दोनों से पूछूंगी। डांस मैम किया था वो तो दोनों ने, वो तो सबने किया था डांस, वो मुझे पता है आप लोगों ने डांस किया था। आराध्या आप बोलो, फर्स्ट डांस सेंटेंस आप बोलो कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। सिर्फ आपकी ब्रांच नहीं थी, बहुत सारी ब्रांचेस थी, बहुत सारे स्कूल थे है ना, एटलीस्ट फोर तो थे यस राइट, 3-4 थे। ठीक है। यस मैम मैम डांस ऑन डिफरेंट स्टेप्स डांस ऑन, मैम डिफरेंट स्टेप्स बेटा आप हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी क्लास है। मैम डांस करते हैं उसके स्टेप मैम जो हम डांस करते हैं उसके अलग अलग स्टेप्स वो तो किया, वो डांस करोगे तो बेटा स्टेप्स भी डिफरेंट होंगे। आपने और क्या एक्सपीरियंस किया समृद्ध आप बोलो। सी अदर डांस हाँ दूसरों का डांस देखा आपने, और क्या था बार, हमने भी तो एग्जीबिशन लगाई थी, नहीं लगाई थी, नहीं देखा आपने। एनुअल मैम फंक्शन हमें बाहर डब्बे ये समृद्ध मिले हमें बाहर डब्बे मिले खाने के लिए खाने के लिए, ओके खाने का आपको ठीक है मिला, बॉक्सेस मिले खाने के। ठीक है, और बार एग्जीबिशन थी, मॉडल्स वगैरह हमने भी लगाए थे, मॉडल्स लगे थे, और क्या किया आप मैम लोगों ने वहां पे, फोटोग्राफ्स नहीं ली, ली मिली थी ना, भूल गए, वो भी तो एक्सपीरियंस किया, ली थी ना फोटोग्राफ, वो भी लिखोगे, फोटोग्राफ्स ली। हमें डांस करने में क्या आया, बहुत मजा आया, हमने सबका डांस देखा और सबके डांस कैसे थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, और क्या हुआ था, और भी तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ था आपके, जो प्रॉप्स थे वो कहाँ थे। आपके प्रॉप्स थे राइट, प्रॉप्स बनाए थे मैम ने, नहीं बनाया था, मून बनाया था मैम ने, मून एंड स्टार्स बनाए थे, प्रॉप्स बने थे यस आपने, मैम अपने डांस से यस प्रॉप्स यूज करे थे, कौन से प्रॉप्स यूज करे थे, मून एंड स्टार्स राइट करे थे ना, यस मैम वह भूल गए। तो आपको यही लिखना है, आपका अनुभव क्या, लेखन में क्या आप क्या लिखोगे कि आपने आपके वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन में आपने क्या क्या पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है ना, आपने सभी, आपको सभी का नृत्य यानी कि डांस देखने में बहुत क्या हुआ, मजा आया। ठीक है, आपने क्या लिया, आनंद मैम उठाया। यस आराध्या, मैम हेयर न्यू सॉन्ग्स न्यू सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग कौन से सुने बेटा आपने, न्यू सॉन्ग तो कुछ नहीं सुना था मैंने, कहा ना झूठा स्टेटमेंट नहीं डिफरेंट होना चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी उसमें, क्योंकि वो है आपका एक्सपीरियंस है। मैम डिफरेंट सॉन्ग्स हाँ फ्रेंड्स के साथ आप बैठे थे, आपने बहुत सारी बातें करी उस दिन, करी थी ना बातें बैठ के, तो यस फ्रेंड मैम क्लास के ग्रुप में बैठे थे है ना, सबको यस लंच मैम बॉक्स मिले थे, सबने फोटोग्राफ्स आपने लिए थे। ठीक है, और आपका एनुअल फंक्शन रात को खत्म हुआ था, रात को हुआ एंड उसका, शाम को शुरू हुआ था 5 o'clock राइट, यही आपको आपके वार्षिकोत्सव में। ठीक है, अब है अच्छा, ट्रेन में कौन कौन बैठा है पहले मुझे बताओ, ट्रेन में कौन कौन बैठा है, किसने ट्रेन में ट्रेवल किया है।
समृद्ध आपने ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया? ओके। आराध्या आपने नहीं किया? ओके, फिर आपके लिए तो मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। बस में तो आप लोग बैठे हो ना? बैठे हो बस में? मैम मैम यस ट्रेन मैम। में ठीक आप नहीं बैठे हो समृद्ध? मैं बैठा हूँ उसमें। बस में बैठे हो ना? तो अगर मैं कहूँ यस आपको मैम। टॉपिक दूँ मेरी पहली बस यात्रा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मेरी पहली बस यात्रा। आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो? उसका एक्सपीरियंस आपको बताना है, आपकी पहली बस यात्रा। फन वी गो टू फन फूड। फूड, वेरी गुड। हाँ, फन फूड गया। मैम वेयर वी प्ले। मैम कैसे आप? देयर वी प्ले इन स्विंग्स। ओके, अभी जो आप पिकनिक में गए थे, आप पिकनिक में जो गए थे वो आपकी पहली बस यात्रा थी? आप पहली बार बस में बैठे थे बेटा? यस मैम। फिर मैं बाद में बैठा और। क्या बोल रहे हो समृद्ध? यस मैम। ओके, ठीक यस मैम। फिर है। आप बाद में बैठा मैम और। एक्सपीरियंस करके लिख सकते हो, पहली बस यात्रा में क्या थी आपकी, बताओ। बोलो समझे, पहले आप ही बोलो। देयर वी प्ले इन सोइंग्स। मैम यहाँ पे मैम अवर बस इज बिग। क्या बोल रहे हो मैम बेटा? अवर बस इज बिग। बस बड़ी थी ना? आप हिंदी में बोल सकते हो बेटा, आप हिंदी यूज कर सकते हो, हिंदी की क्लास है। आप की जो पहली बस यात्रा थी, आपने कैसा फील किया? आपको बस में बैठ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप पहली बार बस में बैठे थे, तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा। और एक कारण और था अच्छा लगने का, एक रीजन और था अच्छा लगने का, कि आप कहाँ जा रहे थे? अपनी क्लासमेट्स के साथ पिकनिक जा रहे थे, है ना? आप बहुत खुश थे क्योंकि आप उस दिन अपने क्लास यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप पिकनिक जा रहे थे, अपनी आपका पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आराध्या? आप बोलो, आप क्या लिख सकते हैं? मैम बस में फर्स्ट क्लास बैठी थी। हाँ, आपके साथ कौन सी क्लास बैठी थी? फर्स्ट क्लास बैठी थी, वेरी गुड। फर्स्ट क्लास के बच्चे आपके साथ बैठे थे, सेकंड क्लास के भी। सेकेंड क्लास के भी बैठे थे। ओके, हाँ, आपकी बस बहुत बड़ी थी, आराध्या ने कहा बस बहुत बड़ी थी, उसमें फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चे बैठे थे, और हमारे साथ टीचर भी थे, टीचर्स भी थे आपके साथ। मैम कौन? अच्छा, टीचर्स थे आपके साथ। मैम सिक्स से फर्स्ट क्लास बैठी थी। ओके, और क्या किया फिर आपने बस में गए? आपने कैसा फील किया बस में बैठ के? आपको अच्छा लगा, है ना? यस मैम। लेकिन जब पिकनिक से वापस बस में बैठे, तो आपको क्या लगा? आपको आराम फील हुआ, आपको रिलैक्स फील हुआ, और आप सो गए? कोई सोया था? यस मैम। सोए थे ना? तो ये आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश, ठीक है ना? इसका एक्सपीरियंस है बारिश का। जब बारिश आई, और बारिश में क्या होती है, कभी मैम बहुत जोर जोर से क्या होते हैं, बादल गरजते हैं, थंडर स्टॉर्म होता है, राइट? किसके बारे में है? बारिश के बारे में है। तो क्या हुआ, बच्चे छोटे होते हैं, बारिश में जब थंडर स्टॉर्म होता है, उसको देख के डर जाते हैं। उस समय का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का पैराग्राफ है, अनुभव लेखन है। उस समय की बात है जब मैं बहुत बारिश में बहुत
जब मैं छोटा था और बारिश का समय था, आकाश में कैसे बादल थे, काले बादल छाए हुए थे। ठीक है, मैं बाहर खेल रहा था, बादलों में क्या हुई, गड़गड़ाहट, यानी कि बादल गरजने लगे, और उससे क्या हुआ, डर गया। किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसकी आवाज सुन के, थंडर स्टॉर्म सुन के वो डर गया, और उसकी आवाज को सुनकर मैं बहुत डर गया। डर के मारे मैं क्या कर रहा था, कांप रहा था, यानी कि उसे इतना डर लगा कि वो कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माँ ने जब आवाज सुनी तो वो घर से बाहर निकल आई। और क्या होता है जब आप डरते हो तो मम्मी भी डर जाती हैं, होता है ना ऐसा, आप परेशान होते हो तो मम्मा भी परेशान हो जाती हैं, होती है।